जय जिनेंद्र, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। आज हम इंस्टेंट जैन पाव भाजी बनाएंगे, जिसके साथ बनाएंगे घर पे ही व्हीट पाव और होममेड बटर बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे पाव से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 कप गेहूँ का आटा ले लिया है, करीबन ये 300 ग्राम है। इसके अंदर हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जितने हैं वो डाल देंगे। 1 चम्मच लेना है हमें सॉल्ट, 1 चम्मच डालेंगे हम शुगर पाउडर। अगर आपके पास मेजरिंग स्पून नहीं है तो आप नॉर्मल वाली स्पून से भी कर सकते हैं। शुगर पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून डालेंगे हम यहाँ पे बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर, और 1 चम्मच मैंने इनो लिया हुआ है। करीबन इनो 1 पैकेट में जितना आता है उतना मैंने ले लिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेना है। अब इसकी के अंदर जो हमें डो तैयार करना है उसके लिए जो लिक्विड चाहिए वो लिया हुआ है मैंने। 1 कप दूध लिया है, रूम टेम्परेचर वाला लेना है, और 1/3 कप लिया हुआ है यहाँ पे मैंने दही। दही खट्टा बिल्कुल नहीं चाहिए। 1 चम्मच नींबू का रस, और 2 टीस्पून डाला है मैंने ऑयल। ऑयल भी हमें फ्लेवर वाला नहीं चाहिए। सारी चीज़ों को हमें ब्लेंड कर लेना है। दही जो मैंने लिया है, अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो 4 चम्मच जितना हमने दही बड़ी 4 चम्मच ली हुई है। इससे हम थोड़ा थोड़ा आटे में डालेंगे और एक नरम डो तैयार करेंगे। हमें ज़्यादा इसे मसलना नहीं है, बस कुछ इस तरह से हमें मिक्स करते जाना है पूरे डो को। एकदम से ही नरम आटा हम तैयार करेंगे। हम पाव भाजी जो बनाने वाले वो भी हम बिल्कुल भी मेहनत कम मेहनत में और बहुत ही बढ़िया भाजी बनाने वाले हैं और होममेड बटर बनाएंगे। देखिए, इस तरह का हमें नरम आटा लगा देना है। थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे। सारा लिक्विड हमारा ख़त्म हो चुका है। अगर नरम आपको आपका आटा नहीं लग रहा है तो आप 1-2 टीस्पून जितना दूध ले सकते हैं। पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अब हम इसकी लोई तैयार कर लेंगे। सारे हमें इक्वल साइज़ में तैयार करने हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 6 तैयार कर लिए हैं पेड़े। थोड़ा सा हाथ में ऑयल लेंगे। मैंने अवन को प्रीहीट करने रख दिया है। 180 डिग्री पे 10 मिनट हो चुकी है। इस तरह का मैं यहाँ पे ओवल शेप दे रही हूँ। आप राउंड कर सकते हैं, आपके हिसाब से कोई भी शेप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लादी पाव बना रही हूँ तो मैंने इस तरह का शेप तैयार किया हुआ है। बेकिंग ट्रे में मैंने इस तरह से पार्चमेंट पेपर को लगा दिया है और हम सारे तैयार करके रख देंगे। उसके ऊपर हम लगा देंगे थोड़ा सा दूध, जिससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये हमारे रेडी हो चुके हैं। इसे हमें 25 मिनट तक 180 डिग्री पे बेक करना है। तो चलिए रख देते हैं। देखिए, हमारे बेक होके आ चुके हैं। आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से फूल चुके और कलर भी बहुत बढ़िया आया। शुरू में ये जब बेक होते आते हैं तो थोड़े से कड़क होते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर घी या ऑयल आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे घी लगा दिया है मैंने। अब हम इसे वेट नैपकिन से 15 से 20 मिनट के लिए इस तरह से रख देंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने सॉफ्ट हुए। देखिए, 20 मिनट हो चुके हैं। मैं इसे खोल के दिखा रही हूँ आपको। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि बाहर के जो ईस्ट वाले हैं वैसे बने हैं, लेकिन ये ईस्ट फ्री है, हेल्दी है, एक तो मैदा भी नहीं है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम यहाँ पे पाव भाजी की तैयारी करेंगे। बहुत ही इंस्टेंट तरीके से हम पाव भाजी बना रहे हैं। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं और 1/2 कप जितना लिया हुआ है मैंने कैप्सिकम। हम इसकी ग्रेवी तैयार करिए तो हमें बारीक चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। 2 मैंने रेड चिली ड्राई वाली लिए, तीनों को हम ग्राइंड कर लेंगे। चलिए, हमारी ग्रेवी तैयार है। और ये भाजी हम पूरी प्रेशर कुकर में डायरेक्ट बना रहे हैं तो उसमें ही हम ले लेंगे। 2 बड़े चम्मच लिया हुआ है मैंने ऑयल, और 2 बड़ा चम्मच मैं ले लूँगी घी। आप पूरा घी ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा घी या बटर का यूज़ करेंगे तो भाजी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। हल्का सा ये गर्म हो जाने के बाद, ज़्यादा इसे गर्म नहीं करना है, 1/2 चम्मच जितना हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे पाव भाजी का हमारा कलर बहुत ही अच्छा आएगा। ये बात का ध्यान रखें, इसे ज़्यादा गर्म नहीं होने देना है, नहीं तो इसका कलर थोड़ा ब्लैक हो जाएगा, तो वो बात का ध्यान रखें।
हम इसके अंदर अब हमने जो ग्रेवी तैयार की है उसे हम डाल देंगे। हम यहाँ पे पाव भी घर पे बना रहे हैं, बटर घर पे बना रहे हैं, तो भाजी में हमें ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए, ज़्यादा तामझाम ना करते हुए बहुत ही रेस्टोरेंट स्टाइल की हम भाजी तैयार करेंगे। थोड़ा मैंने पानी डाल दिया है, हल्की सी ग्रेवी जैसे ही हमारी बॉईल होने लगे हम इसके अंदर मसाले कर लेंगे सारे। तो पहले डाल देंगे यहाँ पे, हमें हल्दी यहाँ पे बहुत ही कम यूज़ करनी है, थोड़ी सी डालेंगे 1/4 टीस्पून जितनी। फिर से डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च और पाव भाजी मसाला मैंने 1 चम्मच डाला हुआ है। सॉल्ट डालेंगे 1/2 चम्मच जितना। सॉल्ट में बाद में एक इंग्रेडिएंट्स डालने वाली हूँ, इसके लिए मैंने थोड़ा सॉल्ट कम लिया है जिससे हमारी भाजी का स्वाद और बढ़ जाएगा। 1 चम्मच जितना मैंने आमचूर पाउडर भी डाला है। आप देख सकते हैं ऑयल एकदम से छूट चुका है। तो चलिए जो मैंने वेजिटेबल्स कट किए वो डाल देंगे। कच्चा केला, मटर, दूधी और बीन्स, हम सारी वेजिटेबल्स को बॉईल नहीं करेंगे, सीधा हम इसके अंदर डाल रहे हैं। मैंने बताया था ना आपको हमें बहुत इंस्टेंट बनाना है। थोड़ा सा फिर से पानी डालेंगे और ये बात का ध्यान रखें आप अपनी पसंद के और वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, और कच्चे केले थोड़े कम लीजिए जिससे भाजी स्टिकी नहीं बनेगी, बाहर की जैसी बनेगी। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 चम्मच जितना ब्लैक सॉल्ट जिसे काला नमक कहते हैं, इससे ये भाजी का स्वाद बहुत ही अच्छा बढ़ जाएगा। और हम इसे 3 विसल लगा देंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये रेडी है। तो चेक करते हैं, आप इसमें आपकी पसंद के और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। देखिए कलर देख सकते हैं कितना बढ़िया है। ग्रेवी के अंदर जो हमने लाल मिर्च डाली थी उसकी वजह से कलर बहुत ही अच्छा आता है, तो उसे स्किप मत कीजिएगा। हल्का सा इसे इस तरह से मैशर से मैश कर लेंगे। कोई बोलेगा भी नहीं कि यहाँ पे हमने दूधी बीन्स सब चीज़ डाली है। बच्चे जो सब्जियाँ नहीं खाते उसे इस तरह से मिक्स करके आप खिलाइए। देखिए हमारी एकदम पाव भाजी रेडी हो चुकी है। अब हम जो हम होममेड बटर बनाने वाले उसको बना लेंगे। चलिए पहले बटर बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने गाय का घी लिया हुआ है 3 चम्मच। थोड़ा सा मैंने इसे गरम किया है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, ये मेल्ट हो जाए उतना गरम करना है। पिंच ऑफ डालेंगे हल्दी, पिंच ऑफ डालेंगे हम खाने का जो सोडा आता है। आप देख सकते हैं मेरा मेजरमेंट, आप 3 चम्मच का ये मेजरमेंट है। और पिंच ऑफ डालेंगे सॉल्ट। सारी चीज़ों को इस तरह से मिक्स कीजिए। ये बटर इतना टेस्टी बनता है, आप बाहर का बटर लाना भूल जाएंगे। सारी चीज़ जैसे ही मिक्स हो जाए, ये हमारे मिक्स हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 3 से 4 आइस क्यूब डाल देंगे, देखिए। और ये आप इसका एक बेनिफिट है, आपको जितना चाहिए उतना बटर बनाइए, रोज का रोज बना सकते हैं, फ्रेश का फ्रेश। देखिए इस तरह से हिलाते जाइए, वो अपने आप ठीक होता जाएगा। बटर जिस तरह की कंसिस्टेंसी का होता है वैसे ही ये तैयार हो जाएगा। अच्छे से मिक्स हो चुका है बटर हमारा, इस तरह से ठीक बन चुका है। आइस क्यूब को निकाल देंगे और उसमें जो पानी है उसे भी हमें इस तरह से निकाल देना है। फिर से एक बार इसे मिक्स करेंगे। देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ नज़दीक से, एक बार और मिक्स कर लेंगे हम, एकदम ही फ्लफी बन जाएगा ये। आप देख सकते हैं बहुत ही फ्लफी बना है। तो चलिए अब हम ब्रेड को भी रोस्ट कर लेते हैं और पाव भाजी की तैयारी करते हैं, प्लेटिंग करेंगे। ब्रेड को यहाँ पे मैंने घी डाल के इस तरह से रोस्ट कर लिया है, तो पाव भाजी प्लेट में डाल देते हैं। देखिए हमने पाव भाजी, थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाला है, अगर आप खाते हैं तो डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। घर का बटर जो हमने बनाया है वो भी मैंने डाल दिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। जय जिनेंद्र।